आजकल लैपटॉप भी एक सुपर फास्ट पीसी जितने ही पावरफुल हो चुके हैं, इसलिए जो आजकल के गेमर्स हैं वो भी लैपटॉप लेना ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि लैपटॉप से आप कहीं पर भी और कभी भी गेमिंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कुछ गेमिंग लैपटॉप की एसेसरीज जो आपको काफी पसंद आने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गेमिंग लैपटॉप्स आजकल बहुत ही कॉम्पैक्ट आने लगे हैं और एक चीज जो उनको बहुत ही स्लो बना देती है वो है उनका पोअर वेंटिलेशन सिस्टम, जिसकी वजह से वो ओवरहीट हो जाते हैं और वो ढंग से काम करना भी बंद कर देते हैं। इसलिए हम आपके लिए आज लेकर आए हैं ये कूलिंग पैड। एक बार हम इसको खोल के दिखाते हैं कि ये कैसा है। दोस्तों, इसके बॉक्स में आपको ये कूलिंग पैड मिलता है और इसको पावर देने के लिए आपको ये यूएसबी केबल मिलती है। एक बार हम इसको चला के देखते हैं कि ये कैसा लगता है। दोस्तों, हमने ये कूलिंग पैड अपने पावर बैंक से प्लग इन कर दिया है। एक बार हम इसको ऑन करके दिखाते हैं। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ऊपर की तरफ आपको 6 फैन मिलते हैं, जिनमें आपको एक ब्लू कलर की एलईडी मिलती है जिसको आप चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन जो दिखने में काफ़ी अच्छी है। जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आप इसके जो फैन की स्पीड है, इस डायल की मदद से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं कम करता हूँ तो ये बंद हो गए, और धीरे धीरे बढ़ाऊँगा तो इसके जो फैन की स्पीड है वो भी बढ़ती रहेगी, और जो इसकी लाइट की इंटेंसिटी है वो भी साथ साथ बढ़ रही है। इसको जब हम ज़्यादा कर रहे हैं फैन की स्पीड, तो उसकी लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। उसके अलावा इसके पीछे की तरफ आपको हाइट एडजस्ट करने के लिए क्लिप मिलती है, जिससे आप अलग अलग हाइट पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये कूलिंग पैड 15.6 इंच तक के लैपटॉप को सपोर्ट करता है। एक बार हम अपना लैपटॉप भी इसके ऊपर रख के देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये हमारा लैपटॉप है ये 15.6 इंच से बड़ा है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर फिट आ रहा है, और इसका जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो भी काफ़ी बढ़िया है। नीचे से हवा भी काफ़ी अच्छे से पास हो रही है। इसको मैंने अमेज़न से 1000 रुपये में मंगवाया। अगर आप भी एक ऐसा ही कूलिंग पैड ढूंढ रहे हैं तो एक बार आप इस कूलिंग पैड को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। बहुत से स्ट्रीमर्स आजकल अपने लैपटॉप से ही गेम को स्ट्रीम कर लेते हैं, और स्ट्रीमिंग सेटअप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है माइक। इसलिए आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा माइक लाए हैं। ये है ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला ज़ेब क्लैरिटी। एक बार हम इसको खोलते हैं और इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। दोस्तों, ये है ज़ेब क्लैरिटी माइक, और ये एक यूएसबी माइक है, तो आप इसको गेमिंग या फिर रिकॉर्डिंग दोनों में किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस माइक की बात करूँ तो इसमें आपको एडजस्टेबल नेक मिलता है, जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा इसमें आपको एक ओमनी डायरेक्शनल का माइक्रोफोन मिलता है, जो आपकी आवाज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करता है। इसमें जो आपको सैंपल रेट मिलता है वो मिलता है 44.1 किलोहर्ट्ज़ का, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। एक बार हम इसको कनेक्ट करते हैं और इसका भी सैंपल ले लेते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। दोस्तों, जो अब आप आवाज़ सुन रहे हैं वो इस माइक्रोफोन से आ रही है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आवाज़ आपको कैसी लगी। अगर मैं इस माइक्रोफोन की बात करूँ तो ऊपर की तरफ आपको म्यूट का बटन मिलता है, जिसे आप अपनी आवाज़ को म्यूट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने अमेज़न से 850 रुपये में मंगवाया। अगर आपको ये माइक्रोफोन पसंद आया तो आप इसको अमेज़न से खरीद सकते हैं, और इसका लिंक आपको मिल जाएगा हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, अब गेमिंग एसेसरीज की बात हो ही रही है तो एक बढ़िया से माउस पैड की भी बात कर लेते हैं। यह है एक RGB माउस पैड, जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। एक बार आपको इसको खोल के दिखाते हैं। दोस्तों, बॉक्स के अंदर आपको ये पैड मिलता है, और इसको चलाने के लिए ये यूएसबी केबल मिलती है, जो माइक्रो यूएसबी है। एक बार हम इसको ऑन करके इसकी आरजीबी आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी आरजीबी जो ये लाइट है वो काफ़ी बढ़िया है, और बहुत सारे इफेक्ट भी इसमें हैं। आपको बस इस बटन को प्रेस करके इसके जो लाइट्स है उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर जो इसका ब्रीदिंग इफेक्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं, जो एकदम रैंडम होता है। जैसे मैं इसको एक बार प्रेस करता हूँ तो इसका कलर ब्लू हो चुका है, दोबारा प्रेस करता हूँ तो ग्रीन हो चुका है, और इसमें एक अलग सा ब्रीदिंग इफेक्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फ्लो हो रहा हो। ये पिंक हो गया है। ऐसे आप अलग अलग कलर्स में चेंज कर सकते हैं इसे। इस माउस पैड को मैंने अमेज़न से 900 रुपये में मंगवाया, और क्वालिटी के हिसाब से तो मुझे काफी पसंद आया। आपको ये माउस पैड कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लैपटॉप में आपको सारी चीज़ें बढ़िया मिल जाती है सिवाय उसके स्पीकर के, क्योंकि जो कंपनीज होती है अपना सारा पैसा वहीं बचा लेती है। लेकिन दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका उपाय भी हमारे पास है। उसके लिए हम आपके लिए लाए हैं ये बहुत ही बढ़िया स्पीकर, जो है ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला वंडरबार 10। इस स्पीकर को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे
वो हम आपको दिखाएंगे इसको अनबॉक्स करने के बाद। दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको ये बहुत ही बढ़िया स्पीकर मिलता है जिसे आप एज अ बार भी यूज कर सकते हैं साउंड बार की तरह, और अगर आप इसको ऐसे अलग करेंगे तो आप इससे एज अ 2.1 जो स्पीकर होते हैं उसके तौर पे भी यूज कर सकते हैं। एक बार हम इसको कनेक्ट करते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी भी चेक करते हैं कि कैसी है। दोस्तों हमेशा की तरह मैंने ये स्पीकर्स अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिए हैं, और जो इस स्पीकर की एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि इसमें आपको ऊपर की तरफ RGB का सपोर्ट मिलता है जो इसको काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। एक बार हम इसकी साउंड क्वालिटी भी चेक करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने इन स्पीकर्स की आवाज़ सुनी जो काफ़ी लाउड है और क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसको मैंने अमेजन से 850 रुपये में मंगवाया। अगर आपको ये स्पीकर पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों एक टाइम हुआ करता था जब लोग फुल HD यानी कि 1080 में मूवीज देखते थे और उसकी क्वालिटी को भी बोलते थे भाई क्या बढ़िया क्वालिटी है, लेकिन आज के टाइम पर लोग अगर 2K या 4K में भी देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या इससे भी अच्छा हो सकता था। अगर आपके पास एक 8K टीवी है और आपका लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो सिर्फ 2K है, और अगर आप चाहते हैं अपने लैपटॉप को अपने टीवी से कनेक्ट करना ताकि आप 8K तक जो वीडियो है वो देख पाए, तो आप ऐसे में इस केबल का यूज़ कर सकते हैं। ये केबल अप टू 8K तक सपोर्ट करती है जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी होती है, और इसकी जो लेंथ है वो होती है 1.5 मीटर, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की केबल है। एक बार आपको इसको खोल के दिखाते हैं। दोस्तों जैसे कि आप इस केबल को देख सकते हैं ये एक ब्रेडेड केबल है और जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मोटी भी काफ़ी है। एक बार इसको खोल लेते हैं पूरा। दोस्तों जैसे कि आप इस केबल को देख सकते हैं ये काफ़ी स्ट्रांग लग रही है और मुझे नहीं लगता ये कभी ख़राब भी होगी क्योंकि ये काफ़ी मोटी है। अगर आप भी एक ऐसी केबल ढूंढ रहे हैं जो 8K को सपोर्ट करे तो आप इस केबल को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसको मैंने अमेजन से 1000 रुपये में मंगवाया है, और इसका लिंक भी आपको हमेशा की तरह मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो भाई और उनकी बहनों ये थे कुछ गेमिंग लैपटॉप एसेसरीज। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गैजेट पसंद आया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो का लाइक का टारगेट रहेगा 500 लाइक्स का। जैसे ही टारगेट पूरा होगा तो आप में से कुछ सब्सक्राइबर जीत सकते हैं इन गेमिंग एसेसरीज को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।